हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। देखिए, हमने एंटरप्रेन्योर को लेकर के बहुत सारी वीडियोस कर ली है। एक वीडियो हमने ऐसी भी की है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने एक ही वीडियो में कवर अप किए हैं। सो अगर आपने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी, आप जा करके देख सकते हो। नाउ कम टू दिस टॉपिक, दैट इज़ योर वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर होते क्या है? देखिए, एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस करता है, न्यू इनोवेशंस लाता है और उसके साथ जो है अपना काम करके प्रॉफिट अर्न करता है। सो उस पर्सन को आप एंटरप्रेन्योर कहते हो। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो कि ये पूरे एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कर रहा है, वो अगर एक महिला होती है, तो उस महिला को वुमेन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और उसके सामने आने वाले ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं, उन प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसको फेस करने पड़ते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जो है दिख सकता है। अब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कैसे दिखेगा? क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्ज़ाम में कि इफ़ अ वुमेन विल स्टार्ट अ बिजनेस और विल एक्ट एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर द चैलेंजेस शी हैज़ टू फेस एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स शी मे हैव इन हर पाथ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ घुमाव फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें इनडायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि आखिर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। अगर देखा जाए तो कोई भी महिला अगर फाइनेंस लेने जाती है और एक पुरुष फाइनेंस लेने जाता है, तो वहाँ पर महिलाओं को फाइनेंस मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू पुरुष के। ऐसा क्यों है? क्योंकि वुमेन्स के नाम पर खुद की कोई प्रॉपर्टीज़ इतनी नहीं होती। आप खुद भी अगर चेकआउट करोगे तो आपकी फैमिली में हो सकता है कि आपकी मदर के नाम पे या फिर जो मतलब वुमेन्स हैं आपकी फैमिली की जो वुमेन हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हों या फिर कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ हों जिसको आगे चल के वो गिरवी रख के या फिर उसका जो है किसी उसके ऊपर लोन ले सके, ऐसी सिक्योरिटीज़ ऐसी एसेट्स कम होने के चांसेस होते ही होते हैं। इसलिए उनको फाइनेंस मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई एसेट नहीं है गिरवी रखने के लिए। और उनको फाइनेंस बैंक्स भी थोड़ा सा अवॉइड कई बार कर देते हैं वुमेन को। और वहीं पे अगर कोई मैन लेने आता है और उसके पास फाइनेंस होता है तो उसको दे दिया जाता है, नहीं भी होता तो कई बार चांसेस ले लिए जाते हैं कि उनको आप जो है देख सकते हो कि शायद उनको फिर भी फाइनेंस मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट इस यहाँ पे अगर देखा जाए, फाइनेंस जो है एक ब्लड की तरह होता है एंटरप्राइजेस के लिए। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होगा आप काम नहीं कर पाओगे, बट चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिग आपकी एंटरप्राइजेस हो। और हाउएवर वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो कई बार सफ़र करती हैं शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस से ऑन टू काउंट्स। ठीक है, दो वजहों से मेनली। पहला वजह है कि वुमेन के पास कोई जनरली प्रॉपर्टी नहीं होती है उनके नाम पे, जो कि वो एज अ कोलेट्रल यूज़ कर सके फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स, ताकि कल को जाकर के फंड्स वो ले सके एक्सटर्नल सोर्सेज से। इसीलिए जो एक्सेस होता है उनका एक्सटर्नल सोर्सेज का और फंड का वो लिमिट हो जाता है। यानी बाहर से वो सिर्फ जो है ज़्यादा जगहों पर जाकर के लोन नहीं ले सकते, इसलिए उनको अपने कंगन जो है लाला के पास रख करके पैसे लेने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपकी होती है। सो एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है ज़्यादा फंड्स जो नहीं मिल पाते वो लिमिटेड हो जाते हैं। सेकेंडली, जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ये बिलीव करते हैं समटाइम्स कि जो है वुमेन जो है दे कैन एट एनी टाइम लीव देयर बिजनेस, कि ज़्यादा देर तक ये शायद अपना बिजनेस ना चला पाए बिकॉज ऑफ द हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर। लाइक एक फैमिली का पूरा बोझ एक महिला पे होता है, तो हो सकता है कि कल को शायद जो है इनके ऊपर इतना काम प्रेशर हो जाए, ये हो जाए कि वो बिजनेस उनको छोड़ना पड़ जाए। सो ये चीज़ भी एक माइंड में लोगों की रहती है और इसलिए वो बचते हैं। इफ़ एनी एंड लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हु आर एक्सपेक्टेड मर्जर एंड एलिजिबल, दस वुमेन एंटरप्रेन्योर फेल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। एंड इसीलिए जो आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर है काम करना चाह के भी नहीं कर पाती बिकॉज उनके पास फाइनेंस नहीं होता। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फैमिली टाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। घर के मसले ही इतने हो जाते हैं, बेचारी महिलाएं क्या करें। इसलिए कई बार आप देखोगे, ये एक बहुत जेन्युइन चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब कोई महिला घर के जो है झगड़ों को छोड़ करके बाहर निकलती है ना, उसको ऐसे देखा जाता है कि यार इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता घर में क्या हो रहा है। अरे बाबा जी, आपके फ़र्क पड़ने पर बैठ गए ना, फिर तो हम घर ही बैठ जाएंगे। तो ये भी सिचुएशन होती है। अगर आपको घर से बाहर जा करके काम करना है तो आपको कई बार अपने इन लॉज, अपनी फैमिलीज, इनके जो झगड़े
हो रहे होते हैं ना, या जो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि घर आ करके बर्तन धो झाड़ू मारो, इन सबसे थोड़ा सा जो है आपको अवॉइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बाहर की लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ये। मेनली एक वुमेन की ड्यूटी हो जाती है घर में कि आप जो है चिल्ड्रंस को भी देखो, बच्चों को देखो, बूढ़े बुजुर्गों को देखो, सबको देखो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये चीज़ों के लिए जो आदमी होते हैं उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता, उनको नहीं कहा जाता कि भाई इसके कपड़े धो दो, उसके कपड़े धो दो, वो नहीं कहे, ऐसा नहीं कहा जाता। इंडिया में यूजुअली यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे शी हैज़ टू स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस। अब यहाँ पे महिला से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक फाइन बैलेंस बना करके रखो। आदमी क्या होता है, घर पर आता है, कहता है यार मैं बहुत थक गया, वहाँ बैठ के भले ही लड़कियाँ ताड़ रहा होगा अपने ऑफिस में, बट स्टिल घर आ करके कहेगा कि यार मैं बहुत थक गया, मेरे से कोई काम नहीं होने वाला, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। सो नाउ इट इज ऑल द ड्यूटीज आर ऑन द वुमेन हु हैव टू डू ऑल दीज ड्यूटीज। सो समटाइम्स इट मे हैपन दैट ड्यू टू द फैमिली टाइज और सम कॉन्फ्लिक्ट शी हैज टू लीव हर बिजनेस इन फ्यूचर। सो सपोर्ट एंड अप्रूवल ऑफ हस्बैंड सीम्स नेसेसरी कंडीशन फॉर वुमेन्स एंट्री इन टू बिजनेस। अकॉर्डिंगली द एजुकेशन लेवल एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ हस्बैंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस वुमेन्स एंट्री इन टू बिजनेस एक्टिविटी। ऑल्सो जो आपके एजुकेशन लेवल है आपके इन लॉज का, हस्बैंड का या उसके फैमिली का, उसके बैकग्राउंड का, वो भी आपके ऊपर यानी कि एक वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे इंडिया में अराउंड 60% ऑफ वुमेन्स जो हैं अभी भी इलिटरेट है, ठीक है। इलिटरेट जो है यहाँ पे इज़ द रूट कॉज ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप बिजनेस को लेकर के अवेयर नहीं हो पाओगे। देखो आप गांव दराज में चले जाओ, वहाँ पे भी महिलाएं बिजनेस करती हैं, ऐसा नहीं है वो बिजनेस नहीं करती, करती हैं। आप देखोगे आज के टाइम में जो छोटे छोटे गाँव में है वहाँ पे जो है आपके हाथों से जो कपड़े बनते हैं या फिर ऐसी चीज़ें बनती हैं, हैंडमेड आपके कुछ एसेसरीज हो गई वो बनती हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, वो तो बनाती हैं महिलाएं, वो उसको बेचती भी हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड तक रह जाती हैं। व्हाई? बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं है कि कैसे इसको जो है आगे एक्सपैंड किया जाए। अब देखो अब जो बच्चे हैं आजकल के, वो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट अब वहाँ पे कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अपना बिजनेस भी आगे ले जा सकते हो, लेकिन वो भी अभी बहुत नॉर्मल लेवल पे हो रहा है, ठीक है। सो लैक ऑफ एजुकेशन जो है एक बड़ा रोल आपका कह सकते हो कि यहाँ पे निभा देता है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को पीछे करने में। सो यहाँ पे आपकी एजुकेशन की कमी है, लो अचीवमेंट्स आप लोगे, मोटिवेशन नहीं होगा वुमेन्स के अंदर, इसीलिए लैक ऑफ एजुकेशन जो है ये आपका वन टाइप और अनदर प्रॉब्लम आपके लिए है वुमेन के लिए, अगर उनको अपना बिजनेस रन करना है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे सोसाइटी में मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने इंडिया का वो कहता है कि इक्वालिटी है आपके जेंडर्स में, आपके जो है चाहे कोई भी फीमेल हो मेल हो सबके बीच में जो है जेंडर की इक्वालिटी है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वुमेन्स के ऊपर जो है एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि रुकावटें अभी भी दी गई हैं, ठीक है। वीक इन ऑल रिस्पेक्ट्स वुमेन जो है सफ़र करती हैं मेल रिजर्वेशंस की वजह से अबाउट अ वुमेन्स रोल। अगर आप कभी कंपनीज में भी जाओगे ना बच्चे, देखोगे कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो अवॉइड करती हैं वुमेन्स को अपने पास जॉब पे रखने के लिए। और ये मैंने पर्सनली अभी जो है कुछ एक्सपीरियंस किया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे जहाँ मैं वर्क करती हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो है वुमेन की तादाद ज़्यादा है ऑफिसेज में, बट वहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन मैंने भी पर्सनली देखी कि जैसे कि अगर एक लड़की की रिसेंटली शादी हो गई, ठीक है, तो उसके लिए शी हैज़ टू टेक लीव फॉर 2 to 3 months, वहाँ पे उसका काम बैक हो जाता है। एंड देन आफ्टर 1 to 2 years if she is planning for babies then she will have to take leave for at least 1 year, that is means very normal। और वहाँ पे भी अगर आपके पास joint family नहीं है फिर तो भैया आपको घर ही बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए जो companies होती हैं उनको भी लगता है कि यार ये अभी आएंगी फिर 2 साल काम करेंगी फिर चले जाएंगे, इससे अच्छा एक आदमी को रख लेते हैं जो कि 6-7 साल एटलीस्ट हमारे साथ बना रहेगा, और यहाँ पे employees को रिटेन करके रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे male dominated society तो है ही है, बट यहाँ पे एक ऐसा structure भी है हमारे पास जो कि आपका वुमेन को अवॉइड करता है काम करने को लेकर के। वुमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता, इसीलिए सर्व्स होता है यहाँ पे एक बैरियर टू वुमेन जब वो एक बिजनेस में एंटर करती है।
ओके नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर लो रिस्क बियरिंग एबिलिटी। वुमेंस में जो है वो लो रिस्क बियरर होती है। अगर आप देखोगे एक मैन को और एक वुमेन को, कई बार आपने जॉक में सुना होगा ना कि रीज़न वाई वुमेन लीव लॉन्गर देन मैन, तो वहाँ पे वुमेन जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर की होती हैं, वो ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर पाती हैं, या कह लीजिए वो लॉस बियर करने की स्थिति में जो होती है, या ये कह लीजिए स्टॉप लॉस, जैसे हम कहते हैं ना शेयर मार्केट में, वो स्टॉप लॉस बहुत कम लगाती है, या कम मतलब थोड़ा सा ही मार्जिन का लगाती है कि यार ठीक है इतना लॉस हो गया मैं बियर कर लूँगी, इससे ज़्यादा मैं बियर नहीं करूँगी। वहीं पर अगर एक आदमी बिजनेस शुरू करता है तो अगर उसका सब कुछ लुट भी जाता है तो वो ठेला लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब कि रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेता है इन शॉर्ट टर्म। अगर मैं वो शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो वुमेन्स जो है वो रिस्क बियरिंग एबिलिटी उनकी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन जो है इंडिया में वो एक प्रोटेक्टेड लाइफ की तरफ लीड करती हैं। दे आर लेस एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा लेस एजुकेटेड है, इकोनॉमिकली जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है कई सारी महिलाएँ आज भी, तो इसीलिए उनका जो रिस्क होता है वो कम ही होता है। ऑल दिस रिड्यूस देयर एबिलिटी टू बियर रिस्क। अगर खुद का पैसा होता ना तो आप आग भी लगा सकते हो, आपको लगता है कि चल ठीक है मैंने कमाया मैं आग लगा रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर आप अपनी फैमिली का पैसा लेकर के बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपका रिस्क बियरिंग बहुत कम होता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार नहीं है चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वो मेरे पे विश्वास ही नहीं रखेंगे, तो थोड़ा सा चला जाए कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सो ऑल दिस रिड्यूस कर देता है उनकी एबिलिटी को, जो कि उनकी रिस्क बियरिंग एबिलिटी होती है। और यहाँ पे एक एंटरप्राइजेस को रन करने के लिए आपको रिस्क बियरिंग जो है आपको फीचर्स अपने अंदर चाहिए ही होता है। सो रिस्क बियरिंग इज़ एन एसेंशियल रिक्विजिट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वुमेन्स को जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का भी लैक होता है। अब देखिए आदमी क्या होते हैं, नुक्कड़ पर खड़े रहेंगे, कहीं भी खड़े रहेंगे तो वो बातें करते हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है। महिलाएँ क्या है, अपने डेली रूटीन का कम से कम 6 से 7 घंटा बकवास कर रही है इन द सेंस पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, ऑल्सो दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके टू क्लीन योर हाउस, आई अंडरस्टैंड दैट, but these all home chores are just what these all are doing with you, nothing okay, ये कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ठीक है आपकी बॉडी की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी ये सब काम करके, बट यहाँ पे आपको इससे ज्ञान कुछ नहीं मिल रहा। तो आप ज्ञान कमाइए, अपना जो है पैसे कमाइए इन सब कामों के लिए। आप जो है अब थोड़ा सा ज़माना बेहतर हो गया है, आप अपने जो है होम हेल्पर्स रख सकते हैं, वो भी थोड़ा 5-6 हज़ार रुपये आपकी वजह से कमा लेंगे। तो ये सब क्या है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वाई, बिकॉज आप जो है अपना अधिकतर समय इन सब चीज़ों में कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में लगी हुई हैं, आप एजुकेशन नहीं ले रही हैं ठीक से, या फिर जो है आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे पा रहे हो ठीक है, कि आखिर क्या चीज़ें करनी है। सो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो जनरली आपकी अवेयर नहीं होती है ऑफ द सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, की कौन कौन सी सब्सिडीज अवेलेबल है, कौन कौन से इंसेंटिव्स अवेलेबल है उनके लिए, और यही जो लैक ऑफ नॉलेज है वो उनके लिए जो है एक तरीके से कह सकते हो कि उनको हेल्प नहीं कर पाती, बिकॉज उनको ये आइडियाज़ नहीं है इन चीज़ों का। नेक्स्ट वन इज़ योर स्टिफ कॉम्पिटिशन। वुमेन जो है एक कह सकते हो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करती हैं मेंस के द्वारा, ड्यू टू लिमिटेड मोबिलिटी दे फाइंड डिफिकल्ट टू कम्पीट विद मेन, और इसीलिए उनको भी लगता है यार मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगी मेंस के द्वारा। आप उठा करके देख लो, आप हमारे जो है पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में अगर आप उठा करके देखोगे सो टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट निकालो, टॉप रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट निकालो, कहीं भी निकाल लो, उसमें जो अधिकतर संख्या है यानी कि इवन मोर देन 50% वहाँ पे मैन आपको मिलेंगे, कुछ ही परसेंटेज गिना चुना परसेंटेज आपको वुमेन वहाँ पे दिख जाएंगी। मोबिलिटी मूविंग, अब यहाँ पे जो है अगर आपको इन एंड अराउंड द मार्केट इज अगेन अ टफ जॉब फॉर मिडिल क्लास वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडियन सोशल सिस्टम। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जहाँ पे चाहिए वो वहाँ अवेलेबल करा पाना, तो रिसोर्स की आपकी जो मोबिलिटी है वो भी आपके लिए कई बार दिक्कत हो जाती है। मार्केटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू लिमिटेड मोबिलिटी, वुमेन्स जो है वो अनेबल होती हैं अपने टू मार्केट देयर गुड्स, और इसीलिए असिस्टेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड उनको, ताकि उनको हेल्प दी जा सके कि कैसे मार्केट करना है, कैसे उनके गुड्स के लिए, और कैसे जो है सक्सेसफुली वो चीज़ें करनी है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब एक बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी। अब देखो जो पर्सन को आप घर में बिठा करके रखे हो ठीक है, या फिर जो है वुमेन में अगर देखा जाए तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया, उन्होंने काफ़ी जो है अगर आप कह दो ना ही एक्सपीरियंस लिया है, घरों में भी अपने जो है कभी ना कभी बातों बातों में
सुन लिया कि नहीं तू रहने दे भैया को करने दे, तू रहने दे पापा को करने दे। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली इंडिया में होती हैं और जो कि आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा सकती है। देखो बातें ऐसे करो किसी के भी सामने कि किसी का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस ना गिरे। आपको भले ही कुछ चीज़ बुरी लग रही है आप मत बोलो, हो सकता है कि वो सामने वाले के लिए उसने बड़ी मुश्किल से की हो, बहुत मेहनत से की हो और आपके बोलने पर उस बेचारे का ऐसा हो जाए कि यार मैंने इतनी मेहनत से की मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आप गिरा देते हो थोड़ा थोड़ा करके और महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। सो वुमेन जो है उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एंड वो कई बार हेजिटेट करती हैं रिस्क लेने से और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव होती हैं टू टेकिंग रिस्क, कम रिस्क लेती हैं और उनका जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत कम होता है। लैक ऑफ एक्सेस अ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का बहुत ज़्यादा उनमें जो है कह सकते हो लैक होता है। आप देख लीजिए, आप अगर मान लीजिए आपके घर में कोई गाड़ी है, ठीक है, आजकल के बच्चे तो चलो फिर भी सीख रहे हैं, जो मेरी एज के बच्चे हैं या फिर जो है 20s के अप्रॉक्स हैं वो तो फिर भी सीख लेंगे, लेकिन आपके घर में अगर गाड़ी है तो क्या आपकी जो ओल्ड एज वुमेन्स हैं या फिर जो पुरानी जनरेशन की वुमेन है क्या वो उसको चलाना जानती हैं? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो नहीं जानती होगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के यही चीज़ें होती है कि आपको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कैसे एक्सेस करते हैं। वुमेन जो है वो वुमेन कंट्रोल बिजनेस वो आर ऑफ्टन स्मॉल, जो बिजनेस वुमेन कंट्रोल करती हैं वो यूजुअली स्मॉल होते हैं एंड इसीलिए इसमें क्या होता है एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी फॉर वुमेन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन दे नीड रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी और इसी वजह से जो नॉलेज उनको चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है उनको, जो भी उनको टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, इनोवेशन स्कीम्स के बारे में उन्हें नहीं पता, कंसेशंस के बारे में नहीं पता, अल्टरनेटिव मार्केट्स के बारे में नहीं पता एट्सेट्रा। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एम्पावर्ड फील नहीं करती हैं अनलेस दे मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अपडेट देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। अब देखो एक ना बहुत ही नॉर्मल सी बात बताती हूँ, अगर कोई आदमी बिजनेस शुरू करता है उसका नहीं चलता, लेट सपोज किसी ने कपड़े का बिजनेस शुरू किया नहीं चला, वो कपड़ा उठा करके ना वीकली मार्केट्स जो आपके एरिया में लगते हैं मंगल बाज़ार बुध बाज़ार वो वहाँ भी बैठ जाएगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना उसकी फैमिली को कुछ लग रहा है, उसकी फैमिली कहेगी वाह हमारा बच्चा थोड़ा सा जो है बहुत सिंसेयर हो रहा है, वो समझ रहा है चीज़ों को, तो जाने दो उसके अपने एक्सपीरियंस होने दो। वही ये काम अगर महिला करेगी ना कि कपड़े का बिजनेस खोला नहीं चला, कपड़े उठा करके अगर वो चली जाएगी मंगल बाज़ार, उसकी फैमिली उसको रोक देगी। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजीज का आपको आइडिया लेना होता है तो आपको मार्केट में उतरना पड़ता है, आपको हर जगह जगह पे देखना पड़ता है, छोटे से छोटी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी देखना पड़ता है ताकि आपको आइडिया मिल पाए, ठीक है। और आप अगर वीकली मार्केट आप लोग जाते हो तो आप जाना एक ही लाइन में देखना, अगर कोई महिला दिखेगी तो यूजुअली वो सब्जियां बेचती हुई दिखेगी या फिर वो जो छोटा मोटा कुछ सामान, अदरवाइज नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का भी यहाँ पे इनको लैक होता है, कई वुमेन्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बन जाती हैं आउट ऑफ चांस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मेहनत नहीं करती, करती हैं ऑब्वियसली करती हैं, मैं तो वुमेन की साइड पर रहूँगी हमेशा। यहाँ पर जो है आउट ऑफ चांस भी कई बार महिलाएँ बन जाती हैं, थोड़ा सा किया उनका लक अच्छा निकल गया एंड नॉट चॉइस, कई बार क्या है चॉइस नहीं होती बट आउट ऑफ चांस उनका लक लग जाता है। सो यहाँ पे जस्ट बिकॉज उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती, दे ऑल्सो हैव टू प्ले ड्यूअल रोल ऑफ बिजनेस वुमेन एंड केयर टेकर ऑफ हर फैमिली एज वेल, एज अ रिजल्ट दे ऑफ्टन लैक एक्सेस ऑफ ट्रेनिंग, दे विल गो लॉन्ग वे इन द हेल्पिंग देम इन डेवलपिंग बिजनेस स्किल्स। एब्सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एप्टीट्यूड, कई बार क्या होता है कई वुमेन्स में जो है वो एंटरप्रेन्योर एप्टीट्यूड जो होता है वो नहीं होता, कई वुमेन जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हैं बाय अटेंडिंग अ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे जो है आपका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं विदाउट एन एंटरप्रेन्योर बैंड ऑफ माइंड। अब आपका माइंड वैसा अगर नहीं है एंटरप्रेन्योर की सोच जैसा तो आप कितने भी प्रोग्राम्स ले लो कुछ भी कर लो आपको समझ नहीं आएगा। एज पर अ स्टडी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन द स्मॉल स्केल सेक्टर एज ऑनर स्टैंड एट मेरियर 7% ओनली, यानी आपका जो है मेनली 7% ही आपका स्मॉल सेक्टर में आपकी वुमेन्स अपना हिस्सा देती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल मैन की भी बहुत प्रॉब्लम है, अभी मैंने आपको बताया है कि महिलाएं ऐसे मार्केट में जाकर के नहीं बेचेंगी, वो किसी व्यक्ति को पकड़ेंगी जो उसके बिहाफ पे वो काम करेगा या फिर अगर उसको कहीं से कोई सामान लाना है तो वो भी जो है मिडिल मैन को देखेंगी ताकि उनको ज़्यादा टाइम ना प्रॉब्लम करना पड़े, फैमिली को भी देख सकें। तो वो क्या है कि मिडिल मैंस पे आपकी एक कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा
डिपेंडेंट हो जाते हो। तो इसीलिए जब आप मिडिल मैन पर डिपेंडेंट होते हो तो वो अपना कमीशन भी लेता है, जो कि आपके लिए फिर कॉस्टलियर हो जाता है। सो वुमेन एंटरप्रेन्योर डिपेंड ऑन द मिडिल मैन फॉर द स्केल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिडिल मैन जो है वो अपने ऑन प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करता है, जिसकी वजह से हाई सेलिंग प्राइस बन जाता है। और इसमें क्या होता है, इन सच अ कॉम्पिटिशन कस्टमर जो है अट्रैक्ट करते हैं टूअर्ड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई वुमेन एंटरप्रेन्योर डिक्रीज द रिजल्ट इन लेस सेल एंड लेसर प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि मार्केट में आपका अगर ज़्यादा पैसे में बिकेगा तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा, दूसरे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू अर्न योर मच प्रॉफिट। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।